आज हम बनाने जा रहे हैं नवरात्रि स्पेशल साबूदाना वड़ा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए एक कप साबूदाना, जिसे हमने 3 से 4 घंटे तक भिगो लिया था। उसके बाद हमने इसे ड्रेन कर लिया है। फिर हमें चाहिए 2 उबले हुए आलू। उसके बाद हमें चाहिए 1/2 कप भुनी हुई और कुटी हुई मूंगफली। फिर हमें चाहिए 1 चम्मच कद्दूकस किया हुआ अदरक। फिर हमें चाहिए 1 चम्मच नींबू का रस। फिर हमें चाहिए थोड़ा सा सेंधा नमक या काला नमक। फिर हमें चाहिए 1 हरी हुई। फिर हमें चाहिए थोड़ा सा हरा धनिया और घी या तेल तलने के लिए। सबसे पहले एक बाउल में हमारे उबले हुए आलू लेंगे और इनको अच्छे से मैश कर लेंगे। अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे हमारा भिगोया हुआ साबूदाना। फिर हम इसमें डालेंगे हमारी कुटी हुई मूंगफली। फिर हम इसमें हमारा कुटा हुआ अदरक डालेंगे, हरी मिर्च बारीक कटी हुई, धनिया के पत्ते, सेंधा नमक, नींबू का रस और अब हम इन्हें अपने हाथों की मदद से अच्छे से मैश कर लेंगे और इसका एक हम अच्छा सा डो तैयार कर लेंगे। आप अपने स्वाद के अनुसार हरी मिर्च और सेंधा नमक कम या ज्यादा कर सकते हैं। कुछ इस तरह से हमारा डो तैयार है। अब हम अपने हाथों को ग्रीस करेंगे और इसमें से इतना ऐसे बॉल साइज जितना डो ले लेंगे और इसकी एक बॉल बना लेंगे। ये देखिए, ये हमारा बड़ा इस तरह से तैयार है। इसी तरह से हमारे सारे बॉल्स तैयार कर लेंगे। ये देखिए, हमने सारे के सारे बॉल्स रेडी कर लिए हैं। हम इन्हें बहुत ही कम तेल में अपम पैन में बनाएंगे। आप चाहें तो इन्हें डीप फ्राई भी कर सकते हैं। अपने अपे पैन में थोड़ा थोड़ा घी या तेल ऐड करेंगे। अब एक ब्रश से अच्छे से इन्हें ग्रीस कर लेंगे सारी तरफ से। अब हम इसमें अपने बॉल्स को रख देंगे। अब हम इन्हें ढक के मीडियम गैस पे 5 मिनट तक पकाएंगे। 5 मिनट के बाद हम इनका ढक्कन हटा के इनको हम पलटेंगे। 3 को हम पलट कर अब दोबारा से इन्हें 2 से 3 मिनट के लिए हम पकाएंगे। ये देखिए, ये हमारे सारे बड़े रेडी हैं। अब हम इनको उठा के एक प्लेट में रख लेंगे। हम इन्हें एक एब्जॉर्बेंट पेपर में निकाल लेंगे। हमारा साबूदाना वड़ा कुछ ही मिनटों में बनके तैयार है। आप इसे अपनी पसंद की किसी भी चटनी के साथ इसे खा सकते हैं। Thanks for watching. Please like, share and subscribe.